हमारे साथ कुछ पाकिस्तान से एग्जीबिटर आए हुए हैं अब टोक्यो में, जिन्होंने आप स्टॉल लगाए हुए हैं, और इनसे पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या देखते हैं मार्केट के। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान हूँ, मैं हफीज़ टैनरी से बिलोंग करता हूँ। हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, और ये कि यहाँ पे थोड़ी सी हमें लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम आई है, बाकी ये कि मार्केट में पोटेंशियल है और हम फ्यूचर में जो है वो काफ़ी एक्सपोज देख रहे हैं इस मार्केट के अंदर, तो ये कि इंशाल्लाह ग्रो होगा हमारा बिजनेस भी। मैंने भी इधर काफ़ी अच्छी देखी है, मार्केट तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कुछ देखने को मिला है, समझने को मिला है। ये है कि आने वाले फ्यूचर में हमें इधर से काफ़ी ज़्यादा बिजनेस भी मिल सकता है, बिजनेस हमारा इंक्रीज़ हो सकता है, ऐसा कुछ है। स्पिनिंग के बारे में बताऊँगा, आयशा स्पिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान से आए हम शेखपुरा से, तो वी आर वन ऑफ़ दी लार्जेस्ट सॉक्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर फ्राम पाकिस्तान। तो एज फार एज एक्सपीरियंस इन जापान, वी आर हेयर फर्स्ट टाइम, तो अभी तक हमारा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम आए हम, तो कुछ लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लोग जो है इंग्लिश नहीं जानते, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है, हमें एजेंट के साथ काम करना पड़ रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर है, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में को ऑलमोस्ट 20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जिस सेगमेंट के लिए इस दफ़ा हम आए उसके लिए हमने यहाँ पे इसीलिए बेहतर समझा कि हम यहाँ पे अपने आप को एज ए स्टॉल यहाँ पे लगा के प्रेजेंट करें, जिसमें यह कि एक सेमिनार जो था वो भी इन्होंने अरेंज किया हुआ था पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से, जिसमें हमें एज ए निषाद पाकिस्तान को और निषाद को प्रेजेंट करने का मौका दिया गया। डिफरेंट जैपनीज ब्रांड्स उन्होंने कॉल किए थे, फॉर अबाउट यू कैन से ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट कस्टमर्स वर देयर, सो वी प्रेजेंटेड निषाद एंड पाकिस्तान ओवर देयर, रिस्पॉन्स इज प्रीटी गुड, एंड द नेक्स्ट मंथ दे ऑल आर कमिंग बैक टू पाकिस्तान एज वेल। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नए कस्टमर्स हैं, एक नई मार्केट है, पोटेंशियल हमने देखा है, सो वे होपिंग के क्योंकि हमने इस दफ़ा एग्जिबिट किया है, अगली दफ़ा भी एग्जिबिट करेंगे एंड इस मार्केट को हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के मार्केट में और जापान के मार्केट में आपने क्या फ़र्क पाया, किस तरह, यानी क्वालिटी मेंटेनेंस आपने कोई रीड किया है यहाँ पे? तो ऑब्वियसली जापानीज़ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं टेक्सटाइल इंक्लूडेड, उनमें क्वालिटी बहुत हाई होती है, बट हमारी कंपनी इस टाइप की है कि वी कैन एक्चुअली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स टू देयर स्टैंडर्ड एंड देयर पोटेंशियल। इसकी वजह से आई थिंक जिन कंपनियों ने इस दफ़ा एग्जिबिट किया है पाकिस्तान से, उन सब में एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैक्ट्रीज हैं। जापानी एक कंपनी है यूनिकलो, शायद आप जानती होंगी, वो पाकिस्तान में जो है अभी कदम जमा रही है, तो जब वो पाकिस्तान में आ जाएगी अपने शोरूम्स वगैरह खोलेगी, तो आपको कंपटीशन कैसे लगेगा उससे, क्योंकि उसकी क्वालिटी तो बहुत बहुत हाई भी है? तो ऑब्वियसली यूनिक्लो एक नाम है जो सब जानते हैं जापानीज़ मार्केट में, एंड एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में आए हैं, आई थिंक उन्होंने 3 या 4 फैक्ट्री से ऑलरेडी ताल्लुकात कर रहे हैं, अभी बिजनेस डेवलप कर रहे हैं उनके साथ। आई थिंक कॉम्पिटिशन एक गलत अल्फाज है, आई थिंक एक स्टेप फॉरवर्ड है एक पूरे कंट्री के लिए, टेक्सटाइल्स में हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सो इट्स बेटर कि जितनी ज़्यादा कंपनियाँ उनके साथ काम करें उतनी ज़्यादा बेहतर हो। दिस इज़ सेकेंड डे और ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, ये थोड़ी डिफरेंट मार्केट है, लोगों का कल्चर डिफरेंट है, यहाँ का फैशन डिफरेंट है, कैपिटल जो टोक्यो इज़ नोन फॉर फैशन कैपिटल, सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर दिस फर्स्ट टाइम, दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम वी आर एग्जिबिटिंग इन दिस एग्जिबिशन। यहाँ पे और भी मुल्कों की कंपनीज वगैरह आई हुई हैं काफ़ी, यानी वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, आपने दूसरी कंपनीज का जो क्वालिटी वगैरह देखी उसके पाकिस्तान से अगर मिलाएं तो उसे कितना नंबर देंगे आप? आई वुड सर्टेनली लाइक टू टेल यू एवरीबॉडी दैट पाकिस्तान कहीं भी किसी से किसी उसमें कम नहीं है, वी हैव ऑल द प्रोडक्ट विच वी कैन ऑफर टू जापानीज एंड अराउंड द वर्ल्ड, और हम क्वालिटी में सिस्टम्स में हम किसी से कम नहीं है, we are even much better than in quality in terms of reliability and consistency, that's what they want from our side. Thank you very much, thank you. Jaisa ki aapne khud hi mention kiya ki ye saal mein 2 dafa exhibition hoti hai, aur march ke event mein humne pehli dafa pakistan ki companies shirkat kar rahi hain, on and off to pakistani companies aati rehti hain, lekin pehli dafa hai ki tdap ke through pakistani companies participate kar rahi hain, और मेरी एग्जीबिटर से बात हुई है, खासा अच्छा उनको रिस्पांस है इसमें, और जापान वैसे भी आपको पता है कि तीसरा लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट है, और इसमें पाकिस्तान का शेयर अभी तो इतना नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर वर्किंग ऑन इट, तो हमें उम्मीद है कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसका एक पार्ट है कि हम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें आगे।